Now come to the question answer. Let's practice now. First question. How do unicellular organisms perform excretion? Unicellular organism excretion कैसे करता है? तो ये आपको starting में ही बताया गया था इसके अंदर. Unicellular organism remove waste by diffusion from the body surface into the surrounding water. Clear? उसके बाद second question यहाँ से आप लिख लेना. और second question देखिए. How are the excretion in multicellular organisms different from unicellular organism? ये भी वहीं पर मिलेगा. अच्छे से differentiate करके दिखाया हुआ है आपको. ये देखिए unicellular organism and multicellular organism में कैसे differentiation होता है. इसमें तो आपका diffusion के through था body surface से. इसमें specialized organs होते हैं. आप लिख सकते हैं kidney etc. वहाँ से excrete करता है. Fine. Now come to the question number 3. What is the functional unit of kidney? Kidney की functional unit क्या है? Written here. Functional, yes, nephron. Nephron is the structural and functional unit of the kidney. Got it? Clear? Question number 4. The process of ultrafiltration is essential in urine formation. ये बहुत important है. Ultrafiltration मतलब जो बिल्कुल नहीं चाहिए body से वो ही बाहर निकालना है. ऐसा नहीं कि हम wanted thing को remove कर दें. Okay? तो where does this step occur in the nephron? Nephron में कहाँ होता है ये आप ऊपर देखिए. ये मैंने आपको समझाया था उसके अंदर जो पिक्चर बताई थी. Ultrafiltration occurs in the glomerulus. बताया था वोमन कैप्सूल ऐसे बना हुआ था उसमें ये गुच्छा पड़ा हुआ था. ये वोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस का यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा था. ओके तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑकर इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन द ब्लड इन टू द वोमेंस कैप्सूल. ओके क्लियर है. ये जरूरी क्यों है? बिकॉज ब्लड देन द ब्लड पासिस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन वेयर ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट एंड वाटर आर सिलेक्टिवली एब्सॉर्ब. क्योंकि खाली वही हमें थिंग चाहिए जो बाहर निकालनी है बॉडी से वेस्ट. बाकी जो है हमें वो वापस ले लेना है अपनी बॉडी के अंदर. इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डबल फिल्ट्रेशन जरूरी है. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग. आप यहाँ से अपनी बुक से भी बना सकते हैं. और ये रहा लेबल डायग्राम. आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को. एक तो डायग्राम बिल्कुल नीट होना चाहिए. क्लियरली इसको ड्रॉ करिए. ये बिल्कुल क्लियर दिखाइए. किडनी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन ये ब्लू वाली. उसके बाद ये पतली पतली ट्यूब्स जा रही हैं यूरेटर्स और यूरिथ्रा. और लेबल करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. कलर भर सकते हैं तो और सुंदर हो जाता है. डिफ्रेंशिएट हो जाता है उसमें कि कैसे कैसे ऑर्गन्स इसके वर्क करें. ओके बेटा ध्यान से करिए. गुड लक. थैंक यू.